है, पीछे जो है ना सारे पहाड़ है, तो इस साइड पे चलते हैं, उधर पहुंचते हैं जल्दी से और जाके व्यू देखते हैं। मुझे तो बहुत मजे का व्यू लग रहा है यार वो पहाड़ों का। लस्सी तो है नहीं यार ये, फिर चॉकलेट मिल्क ले लेते हैं हम, लेंगे चॉकलेट मिल्क। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। से यार आज हम जाने वाले हैं फुजीरा, दुबई से फुजीरा, ठीक है। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं जिससे साथ, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पहाड़ी इलाके में जाने वाले हैं, जैसे कि हम नारायणगढ़ जाते हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं आज का सीन, लेट्स गो, अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से निकलते हैं। 4 बज रहे हैं तो देखते हैं हम कितने बजे पहुंचेंगे। 2 बजे उठा था मैं, मेरे ख्याल से नाश्ते का टाइम ही नहीं मिला। अब जाएंगे सीधा ड्रैक वीवा में। लस्सी तो है नहीं यार ये, फिर चॉकलेट मिल्क ले लेते हैं हम, लेंगे चॉकलेट मिल्क। क्या इधर से पकड़ेंगे बस, सीधा ट्रैक पहुंचेंगे फुजीरा, ठीक है। तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, जैसी बस आएगी तो चलते हैं, इधर से हम बैठेंगे मेट्रो पे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को एंड तक देखना है। और यहाँ पे बस ने आज काफी देर कर दी, और ये फाइनली मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए हैं। अभी 4 मिनट पड़े हुए ट्रेन आने में। ये हमारी बस निकल नहीं वाली थी, पूरे पूरे टाइम पर आकर पहुंचूं यार, शुक्र है हमें जगह मिल गई। अब पहुंचते हैं इधर से फुजीरा ट्रैक। ये पहाड़ों से पता चलता है कि हम फुजीरा पहुंच चुके हैं, फाइनली वी आर इन फुजीरा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, उतरते हैं अब यहाँ से। बस का ये लास्ट स्टॉप था तो बस ने हमें यहीं उतार दिया। तो चलते हैं अपने लोकेशन पे, सफर एंजॉय किया, बहुत मजे का सफर गुजरा। बस से उतरते ही गर्मी स्टार्ट हो गई है यार, चलो एक्सप्लोर करते हैं इधर। मेरा सेकंड डे है इधर, मैं रात को आके फुली थक गया था तो मैं सो गया था। आज हम देखेंगे फुजीरा, ये सिटी है यहाँ की फुजीरा की, और गर्मी तो बहुत ज्यादा है यार इधर। ये आप पहाड़ देखें, ये इसके सारे साइडों पे पहाड़ ही पहाड़ हैं, और इस साइड पे थोड़ा सा डेवलप है, बैक साइड पे सारे पहाड़ हैं इसके। वो देखो यार कितने खूबसूरत मस्जिद है इधर। चलो यार चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा फुजीरा को। सूरज सर पे है और गर्मी काफ़ी लग रही है, इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा घूमते हैं यार, अब गर्मी की वजह से बाहर भी ना निकले। यार मैं इस साइड पे जा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि उधर व्यू जो है बहुत ही मज़े का आ रहा है, पीछे जो है ना सारे पहाड़ हैं, तो इस साइड पे चलते हैं, उधर पहुंचते हैं जल्दी से और जाके व्यू देखते हैं। मुझे तो बहुत मज़े का व्यू लग रहा है यार वो पहाड़ों का, एज़ कम्पेयर टू दुबई यार, इधर सर्दी, वो सर्दी नहीं गर्मी ज़्यादा है। मैं इतना ज़्यादा चल के उस साइड पर चला गया, उधर तो पहाड़ ही नहीं है इतने, पहाड़ जो हैं वो इस साइड पर, बैक साइड पर। तो जल्दी से इधर चलते हैं यार, गर्मी इतनी है कि आप लोग देख ही सकते हो गर्मी से क्या हाल हो रहा है। अभी शावर लेके आया हूँ साथ ही पसीना। उधर से मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था यार लेकिन बहुत ज्यादा रश था। इधर से रोड क्रॉस करते हैं और फिर उस साइड पे जाएंगे, करते हैं जल्दी से क्रॉसिंग और उस साइड पे पहुँचते हैं। पीछे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का यार, मैं इस साइड पे आई, इधर तो मुझे कोई पहाड़ नजर ही नहीं आ रहे, थोड़ा सा आगे जाता हूँ फिर देखता हूँ, इधर से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, गर्मी से जो बुरा हाल हो रहा है ना वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ये देखो यार उधर अभी क्रोला का नया मॉडल आया नहीं, और इधर टैक्सी चल रही है, क्या बात है यार। मैं क्रॉस करके इस साइड पे आया हूँ, ये मस्जिद आई थिंक बनी हुई है, और वो सामने मुझे ना थोड़े से पहाड़ नजर आ रहे हैं। मुझे इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये अब मुझे नहीं पता। ये अरबियों के घर लग रहे हैं यार मुझे, आई थिंक नहीं जाना चाहिए। अरे अरबियों के घर है, बस यहाँ तक ही मैं आया हूँ, उससे आगे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा यार, गर्मी में बस हो गई है चला नहीं जा रहा, जल्दी से मुझे रूम में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एसी में बैठते हैं। और ये पानी लगा हुआ है, शुक्र है ठंडा पानी तो मिला यार। अभी जैसे रोड क्रॉस करके उस साइड पर चलते हैं, इधर से लग रहा है कि करीब है लेकिन ये काफ़ी दूर है। हम जाने लगे ना उधर 1-2 घंटे इजीली लग जाने हैं, देखने से बहुत करीब लग रहे थे इसलिए मैं जा नहीं पाया। ओ शिट यार बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं अभी वापस आ गया हूँ। चलो जैसे थोड़ी सी शाम होगी ना फिर वापस आएंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। थोड़ी सी शाम हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो अब जाते हैं बाहर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फुजीरा को, और कैसा लग रहा हूँ मैं सोचा है चलते हैं। गर्मी तो काफ़ी हो रही थी तो मैंने सोचा कि लस्सी पी ली जाए, देखते हैं जी लस्सी कहाँ पे पड़ी हुई है। तब फाइनली लस्सी मिल चुकी है, आज हम ट्राई करेंगे मैंगो लस्सी, लास्ट टाइम हमने स्ट्रॉबेरी पी थी। तो इधर बैठ के लस्सी इंजॉय करते हैं और थोड़ा सा व्यू देखते हैं नाइट का। और...
लो भाई फाइनली मॉर्निंग इन फुजेरा और सुबह सुबह का सीन काफी खूबसूरत है। आज हम नाश्ता करेंगे पराठे का, तो जल्दी से चलते हैं शॉप पे सामने। सुबह के टाइम तो बहुत मस्त व्यू आता है यार इधर। भाई नाश्ता पकड़ लिया, जल्दी से जाके नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं फुजेरा से। आज हम जाएंगे दुबई, सही है? ओ शिट यार लेट हो गया, जल्दी से मुझे पार्क के जाना पड़ेगा वरना तो बस निकल जाएगी हमारी। और बस ना निकल जाए, अगर बस निकल गई तो क्या होगा, 1 किलोमीटर का रास्ता है पैदल जाना है और सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है, जल्दी से पहुंचते हैं यार। और शिट मैं बस स्टॉप पे पहुंचने ही वाला था और मुझे याद आया कि मेरा चार्जर तो रूम में ही रह गया। मैं जल्दी जल्दी से भाग के जा रहा था कि बस का टाइम होने वाला है मैं पहुंच जाऊं, और फिर याद आया मेरा जो चार्जर है वो तो रूम में ही रह गया। चार्जर तो नहीं मैं छोड़ सकता था, बहुत क्लासिक है ये, मेरे का शोरूम है, क्या कमाल की कार्स खड़ी हुई है। मेरे साथ तो बहुत बुरा प्रैंक हो चुका है यार, पहुंचने ही वाले थे बस से और एक चार्जर की वजह से इतनी दूर से वापस आना पड़ा। ओहो घर को तोड़ा जा रहा है, जल्दी से चलते हैं और बस स्टॉप पे पहुंचते हैं डायरेक्ट। सो फाइनली वी आर एट द बस स्टॉप एंड जस्ट वेटिंग फॉर द बस। फाइनली बस आ गई हमारी, बैठते हैं और बस पहुंचते हैं दुबई। पहाड़ों के सेंटर में ये घर अरबियों के बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं यार। Is my soft delusion got me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the. फाइनली यार दुबई पहुंच गए हैं, अभी बस सोच रहा हूँ और अब जा रहा हूँ ट्रेन में, वो सामने पकड़ते हैं ट्रेन और पहुंचते हैं अपने रूम में। ब्लॉग को भी देरी एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया लाइक सब्सक्राइब मस्ट करना है और बाकी